3 टेबलस्पून पाउडर शुगर, 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून बटर और 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर और 1 लेमन, जिसमें से मैं हाफ लेमन का जूस यूज करूंगी। एप्पल को मैंने पील कर लिया है, अब मैं इसको चॉप कर लूंगी। ये एप्पल मैंने चॉप कर लिया है, अब एक पैन में मैं ये एप्पल डालूंगी। इसमें मैं हाफ शुगर ऐड करूंगी और हाफ मैं क्रम्बल बनाने के लिए रख दूंगी और जो सिनेमन पाउडर है वो भी इसमें ऐड करूंगी। अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर कुक होने देंगे एप्पल को। बड़ा बाउल लिया है मैंने, उसमें मैं ये मैदा ऐड करूंगी और जो ये हाफ शुगर बचा हुआ था वो ऐड करूंगी। ये 1 चम्मच मैदा है, छोटे चम्मच से मैं इसमें ऐड करूंगी। ये थोड़ा बाइंडिंग देगा, जो पानी है उसको थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा। मैं इसमें बटर डालूंगी, अब मैं इसको बटर को मैदा और शुगर के साथ मिक्स करूंगी। एक क्रम्बली टेक्सचर आना चाहिए मैदा का। अब मैं ये लेमन जूस इसमें स्क्वीज करूंगी। ये क्रम्बल भी रेडी हो गया है और एप्पल भी रेडी हो गया, हम बेकिंग की तैयारी करेंगे। ये एक बेकिंग डिश लिया है मैंने, पहले मैं नीचे एप्पल का लेयर करूंगी, तो मैं पहले एप्पल डालूंगी नीचे। अब जो ये क्रम्बल रेडी किया था मैंने वो ऊपर से मैं डालूंगी एप्पल के। अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड करना है। ये बहुत ही जल्दी और टेस्टी बनने वाला डेजर्ट है। चारों तरफ से हम एप्पल को कवर कर देंगे। अब मैं इसको बेकिंग में डाल दूंगी। मैंने ओवन को 180 डिग्री पर पहले से ही प्री हीट करके रखा है, अब मैं इसको ओवन में बेक होने के लिए डालूंगी। देखिए एप्पल क्रम्बल जो है बनके तैयार है। इसको मैंने 180 डिग्री पर 30 मिनट तक बेक किया है, अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। तो मैं अपने एप्पल क्रम्बल को ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। आप इसको केक के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक स्वीट डेजर्ट है, काफी टेस्टी लगता है ये। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी, मैं आपको दिखा भी दूंगी। देखिए मैंने मैदा इसीलिए डाला था कि जो एप्पल में से जो वाटर रिलीज होता है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए बिल्कुल भी वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं है और जो बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं एप्पल। अगर आपको एप्पल पसंद नहीं है तो आप इसको पेयर्स के साथ बना सकते हैं, बेरीज है उनके साथ भी बना सकते हैं, एप्रिकॉट का यूज कर सकते हैं। मैं इसको सर्व करूंगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ। तो ये एप्पल क्रम्बल बनके तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।